नमस्कार, मैं सुषमा कुमारी फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम भेड़ पालक जो किस जिले से हम इनसे जानते हैं, ये अपर एरिया जो हमारे पहाड़ के हैं उन्होंने भेड़ बकरियां पाल रखी हैं। अब जो निचली जो हमारा एरिया है वो गर्म हो गया, अब ये पहाड़ों की तरफ चल पड़े हैं, इनसे जानते हैं। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? ठाकुर प्यारे। कहाँ के हैं आप? ये जो भेड़ बकरियों का आप पालन का काम कर रहे हैं, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट जिले का नाम बताओ। हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, तहसील मुल्तान है, पोस्ट ऑफिस देवट, विलेज नेर। तो आप कितने सालों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं? जैसे हमारे सियाने बुजुर्ग थे उनके टाइम से लगा है काम, और हमारे पिताजी की इस टाइम 65 एज है। अच्छा। और आपको खानदानी बिजनेस है। तो आपकी ये जो जैसे एक झुंड में जो कितनी बकरियाँ होती हैं आपके? जैसे झुंड का तो पता नहीं होता है, ऐसे फ्लॉक में मतलब 600-700 माल है। 600-700। हाँ जी। तो एक बकरी की कीमत क्या है आज की डेट में जो है? मिनिमम मतलब जब जिंदा है तो उसकी कीमत तो जैसे किलो के हिसाब से, वजन वजन के हिसाब से। हाँ जी। अच्छा। और जैसे बच्चा है वो तो सास के हिसाब से होता है। तो ये जो है जैसे भेड़ की ऊन है ये भी आप निकालते हैं, इसका क्या बनता है? इसका जो है सरकारी मशीनें आती है। अच्छा। काटने के लिए। और अच्छा। सरकार कभी आप 75 रुपए, कभी 80 रुपए पर केजी। पर केजी। एंड ब्लैक जो होती है ऊन वो कम है। तो उसमें क्या बनता है, ये ढाठू वगैरह बनते हैं जैकेट? हाँ, जैसे ऊनी कपड़े कोई भी। अच्छा। जैसे आपके फॉर्मल कपड़े उनमें भी ऊन के रेशे पड़े होते हैं। अच्छा। और इसके लिए बेनिफिट होता है। तो अच्छा, अगर कोई बकरी जैसे किसी को बकरी को बीमारी लग जाए तो आप क्या करते हैं उस टाइम? क्या करना, जो प्राइवेट सेल से या सरकारी डिस्पेंसरी से इधर उधर से सलाह लेके दवाई वगैरह ली और इंजेक्शन टीकाकरण किया उनका। अच्छा। और साल के एक दो बार जो है उनको PPR और अनदर जो इंजेक्शन होते हैं वो लगाए। अच्छा, वो सारी बकरियों को लगाएंगे? हाँ जी। अच्छा, ये जो आप जैसे बकरी का काम कर रहे हैं तो बकरी आपने ये भी बता दिया कितने रेट में जाती है, ऊन क्या रेट है ना? हाँ जी। दूध जो है वो आप क्या रेट में देते हैं? हम बकरी का दूध नहीं देते हैं, जैसे किसी को चाहिए होगा तो हम ऐसे भी फ्री तो में क्या देते। अच्छा, वैसे कितने रुपए मार्केट में, क्या रुपए किलो जा रहा है ये? वैसे दिल्ली में तो डेंगू में जब बीमारी हुई थी वहाँ तो 2000 लीटर। 2000 लीटर? हाँ जी। ठीक है। पर हमारा दूध जो है इतना दूर नहीं जा पाता। अच्छा। तो अभी आप किस तरफ जा रहे हैं अपनी ये जो भेड़ बकरियां लेके जो है? अब हम घर की ओर रवाना है। आपने मतलब नीचे गर्मी होगी बहुत ज्यादा? गर्मी ज्यादा होगी, अब भेड़ों को जो है ठंडे में ज्यादा रहने की आदत है और हमें भी। तो आप पढ़े लिखे नहीं है? या आई एम मोर एजुकेटेड पर्सन। तो आपका क्या ये इंटरेस्ट था इस लाइन में, ये जो आप कर रहे हैं? नथिंग एल्स, जैसे हमारे घर के है सियाने तो ऐसा कुछ। मतलब उस परंपरा को अपने चिल्लाए रखना है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपके मतलब खानदानी पेशा है? खानदानी पेशा है। और मतलब आजकल आपको पता ही है सरकार तरह तरह के ढोंग कर रही है। अच्छा, नौकरियों का नौजवान जो है झांसा दे रही है नौकरियों को, तो इस मतलब कारोबार में ज्यादा फायदा है अपने? चलो, जैसे अपने बिजनेस में ऑल टाइम फायदा ही होता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। वेलकम। ठीक है। फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, सब्सक्राइब।